हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई 2018 के करंट अफेयर्स की। तो मई 2018 के कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके लिए, किसी भी एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेंगे ये वाले करंट अफेयर्स। तो अगर आपको इनकी पीडीएफ फाइल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ वो करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आप कंप्लीट पीडीएफ फाइल को पढ़ सकते हैं, ओनली 8 पेजेस की पीडीएफ फाइल है। तो पूरे मंथ जो है आपका मई 2018 ये आपका कवर हो जाएगा। इससे पहले के करंट अफेयर भी आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक भी है और पीडीएफ फाइल्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारे करंट अफेयर से। तो मई 2018 के करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे अवार्ड्स की। तो जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो सबसे पहले है ब्रिक्स बिजनेस फॉर्म लीडरशिप अवार्ड। तो ये मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा में श्रीदेवी जी को, ठीक है। इनको मिला ये बिकॉज लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ इन इंडियन सिनेमा के लिए इनको ये दिया गया। और ये आपको पता है फॉर्मर एक्ट्रेस है जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, तो श्रीदेवी को ये मिला। तो आपने नाम याद रखना है, ब्रिक्स बिजनेस फॉर्म लीडरशिप अवार्ड। सेकेंड है हमारे पास 2018 मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो ये मिला ओल्गा टोकार्ज़ुक को, ओल्गा टोकार्ज़ुक जो उनकी बुक थी फ्लाइट्स के लिए, ठीक है। उनकी बुक का क्या नाम था? फ्लाइट्स। तो आपको इसी तरह से याद रखना है, ये आपको एफकेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मैन बुकर प्राइज है वो किसे मिला। तो ये मिला ओल्गा टोकार्ज़ुक को और ये पॉलिश राइटर है, ठीक है, पॉलिश राइटर है और इनकी बुक का नाम था फ्लाइट्स। इसके बाद है श्री जयदेव राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार। तो ये मिला आनंदिता आनम जी को, ठीक है, और ये यूके बेस्ड कथक डांसर हैं, तो इनको ये दिया गया श्री जयदेव राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार 2018। तो मई से आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। बाकी आप दो और हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है आपको मिल जाएगा। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछली बार एफकेट 2017 में जननपीठ अवार्ड ही आपसे पूछा गया था, तो आपने ये याद रखना है द जननपीठ अवार्ड विनिंग ऑथर, ठीक है, जननपीठ अवार्ड विनिंग ऑथर। ये एमटी वसुदेवन जो हैं, इनको जननपीठ अवार्ड मिल चुका है, लेकिन फिलहाल इनको कौन सा मिला? फिलहाल इनको मिला ओएनवी लिटरेसी प्राइज, बिकॉज इन्होंने काफी कॉन्ट्रीब्यूशन किया मलयालम लिटरेचर के लिए। तो फिर आपने याद रखना है ओएनवी लिटरेसी प्राइज जो है ये किसे मिला? एमटी वासुदेवन नायर को, ठीक है। तो ये कुछ आपके अवार्ड्स थे मई 2018 के। उसके बाद बात करते हैं डिफेंस के करंट अफेयर्स की। तो देखिए डिफेंस के करंट अफेयर्स में सबसे पहले है द प्लेस इन उत्तराखंड वेयर इंडिया एंड नेपाल आर कनेक्टिंग 30th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है सूर्य किरण, जिसको हम बोल सकते हैं सूर्य किरण 13, ठीक है। सूर्य किरण 13 जो है ये एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो ये कहाँ हुई? ये हुई पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। उसके बाद है आपके पास द ज्वाइंट एनुअल एयर एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट एंड साउथ कोरिया, तो इसका नाम है मैक्स थंडर 2018। तो ये भी आपने याद रखना है, एनुअल एक्सरसाइज है ये। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इंडिया एंड मलेशिया के बीच में पहली मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति 2018। क्या नाम है? हरिमाऊ शक्ति 2018। फर्स्ट एक्सरसाइज हुई है ये इंडिया और मलेशिया के बीच में, ठीक है, और हुई कहाँ? ये मलेशिया में ही हुई, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फेमस पर्सन जो रहे अपनी भी फील्ड में, किसी भी वजह से उनका नाम फेमस रहा। हो सकता है किसी को कोई नया जो है वो कहीं पे अपॉइंट किया गया हो या किसी की डेथ हुई, तो इस तरह से। तो सबसे पहले फर्स्ट इवर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ये हैं सुधा बालकृष्णन। और ये इससे पहले क्या थे? ये फॉर्मर एनएसडीएल एग्जीक्यूटिव थे, ठीक है, एनएसडीएल में एग्जीक्यूटिव थे ये, और इनको अब पहला चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का, तो सुधा बालकृष्णन, ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है। उसके बाद है द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हु हैज बीन नेम्ड इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अंटिल द जनरल इलेक्शन इन जुलाई 18, ठीक है, जुलाई 2018 में जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, तब तक वहां के जो प्राइम मिनिस्टर बने रहे वो कौन रहे? वहां के चीफ जस्टिस नासिर उल मुल्क जो है वहां के
प्राइम मिनिस्टर बने रहे, ठीक है। उसके बाद है नोटेड पोएट लिरिस्ट एंड फॉर्मर राज्यसभा एमपी हु पास्ड अवे ऑन 13 मई 2018। तो ये है बाल कवि बैरागी। बाल कवि बैरागी हैं, ये काफी फेमस नोटेड पोएट हैं, लिरिस्ट हैं और फॉर्मर राज्यसभा एमपी भी रहे हैं। इनकी डेथ हो चुकी है 13 मई 2018 को। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ये है द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। ये 1981 से लेकर 2003 तक तो वो प्राइम मिनिस्टर रहे ही, लेकिन उनको दोबारा से री इलेक्ट कर दिया 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ वहां का मलेशिया का, ठीक है। तो आप याद रखिए इस चीज को कि महाथिर मोहम्मद जो है, महाथिर मोहम्मद वो 7वीं बार प्राइम मिनिस्टर बन गए मलेशिया के, और इस टाइम वो वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं, सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड में। तो ये भी आपने क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद द फॉर्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड एम्बेसडर टू फ्रांस हु पास्ड अवे ऑन अप्रैल 2018, तो ये हैं एयर चीफ मार्शल IH लतीफ। तो IH लतीफ जो है इनकी डेथ हो गई है। ये एयर स्टाफ के चीफ भी रहे हैं, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भी रहे हैं और एम्बेसडर फ्रांस के भी रह चुके हैं ये। उसके बाद फेमस प्लेसेस की बात कर लेते हैं, जो भी प्लेस फेमस रहे किसी वजह से। तो सबसे पहले है द स्टेट इन विच द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर NTPC पत्रतु सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो NTPC का जो पत्रतु सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये झारखंड से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहां से फाउंडेशन रखी गई झारखंड से। उसके बाद है द स्टेट विच इन विच सेटिंग अप ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहली सेंट्रल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मणिपुर में रखी गई है, सेटअप की गई, ठीक है, और इसको अप्रूव कर दिया है यूनियन कैबिनेट ने। उसके बाद द सिटी इन विच सेटिंग अप ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। तो भोपाल में ये बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन। उसके बाद द वेन्यू ऑफ 2018 एशियन इंडियन फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। तो एशियन जो है, आसियन भी आप इसको बोल सकते हैं, आसियन इंडियन फिल्म फेस्टिवल, तो ये होगा न्यू दिल्ली में और इसकी टैगलाइन क्या है, फ्रेंडशिप थ्रू फिल्म। और उसके बाद है द स्टेट विच हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इश्यू लैंड ऑनरशिप डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एंड एक्सेप्ट डिजिटल सिग्नेचर ऑन इट एज वैलिड। तो देखिए जो लैंड ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है ये भी इन्होंने महाराष्ट्र ने फर्स्ट स्टेट बन गई है कंट्री में ये, जहां पे लैंड ऑनरशिप का भी डॉक्यूमेंट बनेगा और डिजिटल सिग्नेचर भी वैलिड होंगे। उसके बाद रेलवे में अगर हम बात करें तो रेलवे में जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, द रेलवे स्टेशन इन आसाम विच हैज बिकम द फर्स्ट इन कंट्री टू रन ऑन सोलर पावर। तो सोलर पावर पर चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है गुवाहाटी। उसके बाद स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में है द कंट्री विच हैज वॉन द उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है ये जापान ने जीत लिया है और 1981 के बाद पहली बार उन्होंने जीता है ये, और उन्होंने थाईलैंड को फाइनल में हराया। उसके बाद द कंट्री विच हैज वॉन द थॉमस कप बैडमिंटन, तो चाइना ने जीता है ये और उनकी 10th विनिंग है ये। इस बार उन्होंने जापान को फाइनल में हराया था, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं AB डिविलियर्स, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है सभी तरह के फॉर्मेट से और उनका इमीडिएट इफेक्ट से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद स्पेस की अगर हम बात करें, स्पेस का भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट फॉर एटमोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन। देखिए एटमोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन करने के लिए हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट सबसे पहली जो बनी है ये बनी है गाओफेन 5 और इसको लॉन्च किया है चाइना ने। तो आपने ये भी याद रखना है, चाइना ने लॉन्च कर दिया गाओफेन 5 जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट रहेगी एटमोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन के लिए। उसके बाद कुछ मिसलेनियस की बात करें, अगर कुछ एक्स्ट्रा बात करें तो सबसे पहले है द वेब पोर्टल एंड ऐप लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर विच एम्स टू ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन पावर सेक्टर ऑफ इंडिया। तो इसका नाम है प्राप्ति। प्राप्ति जो ऐप है, वेब पोर्टल जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च की है ताकि जो पावर सेक्टर है इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बने और जो सीनियर सिटीजन की इन्वेस्टमेंट होती थी प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना में वो बढ़ा दी गई है 7.5 लाख से 15 लाख के लिए। यानी कि पहले आप व्यय वृद्धि
वय वंदन योजना में सिर्फ 7.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते थे, अब आप इसमें 15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं, तो ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज ये हर बार वही रिपीट होते हैं, जो भी आपके मई के हैं तो वो फिक्स हैं, तो इनको आप एक बार पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। उसके बाद विजिटर्स अवार्ड है, इनको भी आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। हम बात करेंगे दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन अवार्ड, तो दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन अवार्ड, इसमें बेस्ट एक्टर मिला है, ठीक है, बेस्ट एक्टर दिया गया है अक्षय कुमार जी को, बेस्ट एक्ट्रेस मिला है भूमि पेडनेकर को, और बेस्ट सिंगल मेल सिंगर जो है मेल में अरमान मलिक, और फीमेल में नीति मोहन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है राकेश रोशन जी को। तो ये कुछ अवार्ड थे, बाकी आप पढ़ सकते हैं। इसमें बेस्ट एंटरटेनिंग मूवी जो है वो बनी सोनू की टिट्टू की स्वीटी, ये सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग जो है मूवी रखी गई। उसके बाद अगर हम बात करें न्यू गवर्नर्स जो बने हैं दो स्टेट में, ओडिशा में नए गवर्नर बने हैं गणेशी लाल, और मिजोरम में जो नए गवर्नर बने हैं ये बने हैं कुमानम राजेश खरन, ठीक है, कुमानम राजेश खरन। उसके बाद सीएट क्रिकेट अवार्ड जो मिला, सीएट क्रिकेट अवार्ड में सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ ईयर मिला विराट कोहली जी को, और इंटरनेशनल बैट्समैन ऑफ द ईयर मिला शिखर धवन को। उसके बाद बॉलर ऑफ द ईयर मिला ट्रेंट बोल्ट को, और उसी तरह से अलग अलग भी दिया है, तो इतना काफी होगा आपको, सीएट का बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट आपने ये तीन जो है ये पढ़ लेने हैं। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो मई 2018 में रहा ये रहा एवरेस्ट अचीवमेंट्स, तो एवरेस्ट अचीवमेंट में सबसे पहले फर्स्ट इंडियन फादर एंड डॉटर टू क्लिम माउंट एवरेस्ट, यानी कि फादर और डॉटर ने इकट्ठे क्लिम किया, तो ये हैं अजीत बजाज एंड दिया, और ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लिम माउंट एवरेस्ट, तो ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन जो क्लिम किया जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को, तो ये बन गई है संगीता बाहल। संगीता बाहल जो है सबसे ज्यादा उम्र की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बन चुकी है, लेकिन ये जो है ये इंडियन वुमेन है, और इनकी एज जो थी इनकी एज 53 की एज थी, ठीक है, जिस टाइम इन्होंने ये क्लिम किया। अभी जून 2019 में ही इन्होंने 9 जून 2018 को इन्होंने संगीता बाहल जी ने क्लिम किया 53 की एज में। वैसे जो हाईएस्ट हैं वो 80 की एज के जापान की हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा उम्र की जो है जिनका नाम कुछ योचेरो मिनुरा जो हैं वो हैं जापान की, जिन्होंने सबसे ज्यादा उम्र की है 80 इयर्स की जो लेडी हैं जिन्होंने क्लेम किया हुआ है, तो ये भी आपने याद रखना है। और सबसे ज्यादा मोस्ट नंबर ऑफ टाइमिंग स्केलिंग ऑफ माउंट एवरेस्ट, सबसे ज्यादा बार जो है कामी रीता शेरपा जो है इन्होंने 22 बार माउंट एवरेस्ट को क्लेम कर दिया है। उसके बाद आईपीएल हुए थे, तो आईपीएल के बारे में आपको पता है कि विनर चेन्नई सुपर किंग रहा, रनर अप सनराइजर हैदराबाद रहा, बाकी हम डिस्कस नहीं करेंगे आईपीएल के बारे में। बीसीसीआई अवार्ड जो है इनको भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें भी कुछ खास मुझे नहीं लगा। उसके बाद कैबिनेट रीशफल जो हुआ, अभी जो कैबिनेट में कुछ चेंजेस हुए थे वो आप जरूर पढ़ लें, कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए एडिशनल चार्ज दिया गया है श्री पीयूष गोयल जी को, क्योंकि जो अरुण जेटली जी हैं उनकी कुछ तबीयत खराब चल रही है, तो उस वजह से जो एडिशनल चार्ज दिया गया वो पीयूष गोयल जी को दिया, जबकि उनके पास कोल मिनिस्ट्री भी है, उनके पास रेलवे मिनिस्ट्री भी है, उनके पास कॉरपोरेट अफेयर्स भी है, और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है ये राज्यवर्धन राठौर जी को दी गई, इनके पास यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स दोनों ही है, तो इनको अब इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी दे दी गई है। उसके बाद रिप्लेस एक्शन के बारे में यहाँ पे डिटेल में है, ये भी आप स्टडी कर सकते हैं। और ये कुछ हमारे करंट अफेयर थे मई 2018 के, तो ये आपने पढ़ लेने हैं, अच्छे से इनको पढ़ लेना है, और आपके किसी भी एग्जाम में ये हेल्पफुल रहेंगे, आपको इजिली किसी भी एग्जाम को करंट अफेयर सेक्शन को अच्छे से करने में ये हेल्पफुल रहेंगे, तो इनको एक बार आप रीड कर लीजिए, दोबारा से रिवाइज कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में से फाइल को डाउनलोड करके आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको करंट अफेयर क्लियर होंगे और आपको पीडीएफ फाइल मिल चुकी होगी। तो हम आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।